हे गाइस, फाइनली मेरी एक और वीडियो आ चुकी है। और ये वीडियो मैंने बनाई है एक सॉन्ग के ऊपर, एक पूरा मेकअप उस सॉन्ग का। तो आप इसको देखकर पहचानो कौन सा सॉन्ग है। सो हाय गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं शिनू नैयर इस व्लॉग में एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम बात करने वाले एक सॉन्ग के बारे में, जिसका पूरा ड्रेसअप मैं करने वाली हूँ, पूरा मेकअप करने वाली हूँ और एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हमारा मेकअप है, हमारा सॉन्ग है चक चक हूँ मैं, हाय चक 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 हूँ मैं। सो फाइनली वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में भी, जो मेरे पास अभी हैं। मतलब मुझे ऐसा कुछ कॉलेब्रेशन के लिए नहीं आए, बट ये मेरे खुद के प्रोडक्ट हैं, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको मैं बताते जाती हूँ। अगर आप चाहो तो आप बाय भी कर सकते हो, अच्छे प्रोडक्ट हैं। सो आज मैं पहले यूज़ करती हूँ एक सीरम का। सीरम तो आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, वेया का ये सीरम है। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये लगाती हूँ, अच्छे से मसाज करूँगी अपनी स्किन में। ठीक है, हमारी क्रीम, हमारा ये सीरम डन हो चुका है। उसके बाद मैं कोको का ये ले रही हूँ एक बार, ताकि मेरी स्किन में जो भी ड्राइनेस होगी, जो भी उसमें स्कैर होगा, ड्राइनेस होगी, सब वो अलग हो जाएगी। उसके बाद आज मैं ले रही हूँ ब्लू नेक्टर का एक प्रोडक्ट। ये तो वैसे दिस वन डे क्रीम है, तो इसके बाद मैं इसको एक मॉइस्चराइजर और एक डे क्रीम ही है, तो मैं ये यूज़ करूँगी पहले। तो पहले मैं ये लगा के अच्छे से स्किन की मसाज करती हूँ, ताकि फाउंडेशन लगाने से मुझे कोई दिक्कत ना जाए और फाउंडेशन हमारा बहुत अच्छे से स्मूथली फैल जाए। ये मैं लगा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, मैं अपने फेस में अप्लाई कर चुकी हूँ, हर एक पोर्शन में बहुत अच्छे से मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ आज जस्ट हव का ये फाउंडेशन, स्किन टेट। आज कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, तो ये स्किन टेट को यूज़ करेंगे हम। एक चीज़ तो मैं भूल रही हूँ और ना आप लोगों ने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्राइमर यूज़ करते हैं। तो ये है माइग्लैम का प्राइमर जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। जस्ट लिटिल बीट, जस्ट थोड़ा सा लगेगा और हम पूरे फेस में, मेन पोर्शन में इसको अप्लाई करने वाले हैं, जो मेन होता है पूरे फेस में नहीं अप्लाई करेंगे, जस्ट कुछ कुछ जगह। सो ये मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। देन हम यूज़ करने वाले हैं जस्ट हब का ये स्किन टेंट। एंड यूज़ करेंगे ब्रश, बहुत अच्छे से ये हमारी स्किन में, हमारा मेकअप जो है वो बहुत नेचुरल होने वाला है गाइस। मैंने इसलिए इस बार थोड़ा कोई डिफरेंट प्रोडक्ट को यूज़ करना सोचा, कि क्यों ना हम कोई अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट यूज़ किए जाएं। तो ये मैं अपने फेस में बहुत अच्छे से मैंने इसको लगा चुका है, कुछ हैंड के थ्रू, हाथ से भी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है इसे करने में। ये मेरा हो चुका है फाइनली। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग माय कंसीलर, मैं कंसीलर लगाने वाली हूँ अब। ये हो गया मेरा कंसीलर, जो मेरे डार्क पोर्शन है मैं उसको कंसीलर से कवर करने वाली हूँ। ना ये हो चुका है मेरा, मैं एक माइग्लैम का पाउडर ले रही हूँ, बनाना पाउडर दीज, और ये मैं पूरे फेस में अप्लाई करूँगी। इसका यूज़ हम करते हैं ताकि हमारे पूरे जो क्रैक्स होते हैं वो फिल हो जाएं और हमारी स्किन बहुत स्मूथ दिखे, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये मेरा फाइनली हो चुका है, ये मैं लगा चुकी हूँ। तो अब हमारी आज बारी है आई शेडो की। तो हम आई शेडो यूज़ करने से पहले हम अपने पहले आईब्रोज को भी थोड़े डार्क करेंगे।
तो मैं पहले उसके लिए करती हूँ। तो मैं तो मस्कारा ले रही हूँ, बट आप चाहो तो आई शेडो वो आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, मुझे ये कंफर्टेबल है तो मैं इसका यूज़ करूँगी इसमें। तो ये मेरा हो चुका है। नाउ टर्न इज आई शेडो की, तो ग्रीन कलर का हमारा, क्योंकि उसमें बहुत लाइट मेकअप है तो हम लाइट ही आई शेडो लेने वाले हैं, लाइट शेड लेंगे। सो दिस इज माई पैलेट एंड हम यूज कर रहे हैं बहुत ही लाइट शेड, तो आई यूज अ पिंक कलर। सो इसको मैं रखती हूँ एंड यूज करते हैं हम। एक पहले हम बेस तैयार कर रहे हैं अपना। सो ये मेरा लग चुका है फाइनली, मेरा बेस तैयार हो चुका है। गाइस हमेशा याद रखना, यहाँ पे कंसीलर लगाने के बाद कुछ ड्राई चीज़ ज़रूर लगाएं, मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर या कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, बनाना पाउडर तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो ये स्किन में आई शेडो चिपकने लग जाता है, तो आप उसको यूज़ करें। देन हम एक और लाइट शेड ही यूज़ करने वाले हैं। सो मेरा एक लाइट शेड है ये, क्योंकि उसमें जो मेकअप है वो थोड़ा स्पार्कर टाइप का है, तो मैं भी स्पार्कर ही यूज़ करने वाली हूँ। देखिए हमने देखी होगी मेरी पहले की वीडियो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, शायद इसलिए मुझे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, बट क्योंकि मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। फिर मैं बहुत कुछ इसमें सीखा भी है करते करते, और काफ़ी कुछ मैंने मेकअप खुद भी सीखा है इसमें करते करते, इतना कुछ मेरा परफेक्ट तो नहीं था बट हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है इधर। सो ये हो चुका है, और मैं गोल्डन कलर दे रही हूँ अपनी आंखों के साइड में, एक गोल्डन सा प्यारा सा कलर। सो गाइस अब मैं गोल्डन कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, तो मैं ये गोल्डन कलर को अपने आईज के नीचे भी लगा रही हूँ हल्का हल्का, उसमें पिंक शेड था बट मैं इसको गोल्डन में यूज़ करने वाली हूँ, मैं गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ इसलिए सी। ठीक है तो फाइनली मेरी ये आई शेडो मेकअप इस कम्प्लीट है। नाउ टर्न इज आई लाइनर की, तो आई लाइनर का भी मैंने कुछ और सोचा था, क्यों ना मैं जो हमारे आई शेडो में ब्लैक कलर आता है हम उसको यूज़ करें इधर, सो मैं वही यूज़ करने वाली हूँ, तो आप देखते रहिए। और ये तो हमारा हो गया, मेरी आईलाइनर लग चुकी है, आप सी देखिए मेरी लिपो आपको समझ में आ रहा होगा, बट क्योंकि मैं इसको कुछ और भी करने वाली हूँ तो मैं आईज के अंदर से भी इसको लगाने वाली हूँ, आईज के अंदर से भी। आप कभी भी करते हो तो ये किए बहुत अच्छा करने से एक लुक भी बहुत अच्छा आता है, और अगर आप कभी दिखाना चाहते हो कि मुझे आईलाइनर नहीं लगाना है तो आँखों के अंदर से अपने लैशेज में लगाओगे ना तो भी सेम वही लुक आता है। तो ये मेरा कंप्लीट है, साथ में मैं आईलाइनर लगा वो काजल पेंसिल भी लगा रही हूँ, बहुत पतला वाला लुक चाहिए इसमें, बहुत ही पतला लुक।
सो इट्स डन, मेरा ये चीज़ डन हो चुकी है। अब बारी है लैशेस की, ये कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ, हमारी कुछ और चीज़ें भी कवर करते हैं हम इस वीडियो में। तो जैसे मैंने ये लिया है कंसीलर, ये कल का था, ताकि ये चीज़ हमारी ज़्यादा उट कर दी के, बहुत अलग लुक आया इसको लगाने के बाद। सो ये हो चुका है फाइनली, मेरा मेकअप डन हो चुका है। एंड नाउ टर्न इज कंसीलर की, नो अब है कंडोर की। हम कुछ अपने जो ये शेप्स देंगे, थोड़े थोड़े इनमें शेप देने की ज़रूरत है, तो अब हम उसके लिए करते हैं। सो गाइस मैं हल्का सा कंडोर यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा अपने शेप्स देने के लिए, हल्के हल्के अपने नोज़ को शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, हल्की हल्की सी। ये देखिए लाइट लाइट शेड बिल्कुल। ये हो चुका है फाइनली मेरा। सब बारी हमारी, ये मेरे पास फॉरएवर 52 का है ये। सो मैं ये, एक मिनट मेरा माइक निकल गया है, तो वो मैं पहले लगा लूँ, नहीं तो आपको मेरी आवाज़ बहुत स्लो आएगी। बिना माइक के तो मेरा काम ही नहीं हो सकता है फिलहाल, तो मैं माइक लगा लेती हूँ। ये लग चुका है हल्का हल्का लाइट लाइट सा। सो बारी है हमारे हाइलाइटर की। अगर आप भी कोई प्रोडक्ट का कोलैबोरेशन चाहते हो, या अपने प्रोडक्ट को यूट्यूब में दिखाना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे जीमेल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं आपका ज़रूर करूँगी। सो हमारे हाइलाइटर की टर्न आ चुकी है। तो टेंटेटिव हम लैशेस भी लगा ही लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लैशेज भी मेरे होने वाले हैं फाइनली, मैं लैशेज लगा चुकी हूँ, एक तो मैं लगा चुकी हूँ, दूसरे की बारी है। सो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर और कोई नए नए टॉपिक में ज़रूर मैं वीडियो लाते रहूँगी। सो डन, माई मेकअप इज डन। सो नाउ टर्न इज लिपस्टिक। तो हम अपने कैमरे को कर रहे हैं सीधा। व्हाट आई एम लुकिंग, आप लोग ही बता सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ। सो हमारी लिपस्टिक भी डन हो चुकी है, बहुत ही प्यारा सा शेड मैंने लगाया हुआ है। नाउ टर्न इज माय हेयर स्टाइल की। सो उसमें जैसा हेयर स्टाइल किया, सेम वैसे ही मैं हेयर स्टाइल करने वाली हूँ गाइज। सो गाइज मैं इसकी मैचिंग की एक नेल पेंट लगा रही हूँ ग्रीन कलर की, आपने देखा भी होगा मैंने एक वीडियो और मैं इसकी ऐसे ही नेल पेंट लगाई थी, तो वही मैं सोचा वो भी आपको दिखाती हूँ। इससे मैचिंग की नेल पेंट एक चीज मैं आपको बताते जा रही हूँ। सो अगर आपने वाला गाना देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी बैंगल्स हैं मैचिंग की, कांच की चूड़ियाँ हैं, दो शेड मैंने इसमें लिए हैं, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर है, क्योंकि मेरा कंट्रास्ट ही पिंक एंड ग्रीन।
सो गाइज फाइनली मेरा हेयर स्टाइल भी रेडी है एंड मेरी ये वीडियो ऑलमोस्ट बन चुकी है एंड मेरा पूरा लुक वैसा आ चुका है। तो अब मैं पूरी आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ एंड पूरी ड्रेस आपको दिखाने वाली हूँ, साथ में ग्रीन कलर की साड़ी। ये अगर आप चाहो तो बुलबुल शॉप से बाय कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग साड़ी। ये सिल्क में है पूरी साड़ी, इसमें मैंने कंट्रास्ट में पिंक कलर का ब्लाउज लिया हुआ है। ये भी स्टिच ही है फिलहाल, तो आजकल स्टिच ब्लाउज मिल ही जाते हैं अगर आप चाहो तो, कंट्रास्ट में तो आपको मिल ही रहा है इसमें। सो फाइनली हमारी वीडियो एंड होने वाली है एंड प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो तो। मैंने अभी इयररिंग नहीं पहने हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ढक लेती हूँ क्योंकि मैंने इयररिंग पहने नहीं है एंड सो उसमें एक बिंदी थी तो हम भी एक बिंदी लगाते हैं। वेट,